हेलो फ्रेंड्स, तो आई वेलकम यू इन माय चैनल डॉक्टर सतीश। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद न्यू प्रॉब्लम रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं और सेक्रीफाइस वी नीड एंड हाउ टू डील विद द प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो गुडविल का पार्ट जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, अगर नया पार्टनर ब्रिंग करता है तो वो कैसे हम डील करते हैं, दैट इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो आज भी मैं वही डिस्कशन करने वाला हूँ जो हमारे पार्टनरशिप में बेसिक पॉइंट होता है कि नए प्रीमियम को हम किस तरह से डील करेंगे, कैसे हम सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो अब मैं फिर कर रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो हमारे टॉपिक का नाम होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे बांटा जाएगा सेक्रीफाइस रेशो में, तो ये मेरा जो लेक्चर होगा दैट विल बी पार्ट फोर फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स, दैट विल बी फॉर प्लस टू स्टूडेंट्स। तो हमारे प्लस टू के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स, एंड दैट बिलोंग्स टू एडमिशन। तो इसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये हमारा पार्टनर की एडमिशन में आता है। तो अब हमने पहले भी लास्ट मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कैसे हम प्रीमियम को बांटते हैं सेक्रीफाइस रेशो में, दैट इज़ गिवन टू ओल्ड पार्टनर, और नया पार्टनर प्रीमियम का शेयर लेके आता है। अब मैं यहाँ पे फिर बना रहा हूँ इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस, अलग केस होगा। अब एक अलग केस है जहाँ पे हमारा न्यू पार्टनर कुछ भी नहीं लेके आता, देन हाउ टू डील विद द अमाउंट, तब क्या हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई जेड आर ओल्ड पार्टनर्स। अब ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन दी रेशो ऑफ। अब इनकी रेशो हमारे पास गिवन है 3:1, ये इनकी ओल्ड रेशो है। एन एडमिट्स, अब एन की एडमिशन होती है एडमिट्स इन द फॉर्म। अब एन जो है एडमिशन लेता है, एन इज एडमिटेड इन द फॉर्म विद द 1/5 शेयर। अब एन की एडमिशन है 1/5 शेयर के लिए। तो यहाँ पे हमारे एक्स की जो कैपिटल है वो ओल्ड कैपिटल गिवन है 30,000, वाई की जो कैपिटल है वो हमारे पास गिवन है 20,000, और जेड की जो कैपिटल है वो है 10,000। एंड एन पेज, अब एन क्या पे करता है, एन पे करता है ₹30,000 एज कैपिटल। एंड गुडविल ऑफ द फॉर्म, अब हमारे फर्म की गुडविल गिवन है 60,000, ये हमारा सम है। हमें यहाँ पे न्यू रेशो भी देखनी है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो ये हमारा सम है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सम बनाया। तो यहाँ पे तीन हमारे पुराने पार्टनर हैं 3:1 में, अब एन की एडमिशन हुई है 1/5 शेयर के लिए, अब उनकी पुरानी कैपिटल है ओल्ड पर, एन पे करता है 30,000 एज कैपिटल, और गुडविल ऑफ फॉर्म ये हमारे पास गिवन है ₹60,000। अब ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हमें कैसे जर्नल एंट्री करनी है। अब यहाँ पे एन कांट ब्रिंग, अब यहाँ पे लिख देते हैं एन कांट ब्रिंग प्रीमियम। अब जो है ना, एन प्रीमियम नहीं लेके आ सकता। अब हमें क्या एंट्री करनी है, और फर्म की गुडविल हमारी 60,000 है, हमारी जम्पशन है एन अपना प्रीमियम नहीं लेके आ सकता। अब सबसे पहला काम है दोस्तों, जब भी हम सॉल्यूशन करें एग्ज़ाम में तो पहले हमें रेशो डिसाइड करनी पड़ेगी, रेशो का काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो पार्टनर हैं वो हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे ओल्ड पार्टनर हैं 3:1। अब एन की एडमिशन जो हुई है
अब एन एडमिशन लेता है, एन एडमिशन किसके लिए है, 1/5 शेयर के लिए। तो हमें सबसे पहले अपनी न्यू रेशो तैयार करनी पड़ेगी, देन वी हैव टू गो विद द सेक्रीफाइस रेशो। अब यहाँ पे करते हैं लेट टोटल शेयर, अब हम करते हैं फर्म का लेट टोटल शेयर होता है 1। अब यहाँ पे एन का जो शेयर आ रहा है, एन ने कितना शेयर लेना एडमिशन में, 1/5 शेयर। तो अगर हम 1 में से 1/5 को माइनस कर दें, क्योंकि जो एन ले जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 4/5। अब हमें एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। अब एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 × 3/6। सिमिलरली वाईज न्यू शेयर ये बनेगा 4/5 × 2/6। सिमिलरली जेड्स न्यू शेयर ये बनेगा 4/5 × 1/6। तो ये बनेगा 12/30, ये बनेगा 8/30 और ये बनेगा 4/30। तो ये हमारी रेशो बनेगी 12/8/4। अब हमारे एन का जो शेयर है वो हमारे पास गिवन है 1/5। अब इसको भी हम 30 बनाएंगे, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। अगर हम ये करते हैं तो ये बनेगा 6/30। तो हमारी जो रेशो बनती है वो बनेगी न्यू रेशो, ये बनेगी 12/8/4 and 6। तो ये हमारी दोस्तों रेशो बनेगी, जिसको हम कहेंगे न्यू रेशो। अब हमारे 4 पार्टनर हो गए, एक्स वाई जेड एंड एन। तो ये हमने पहला काम है, अपनी रेशो कैलकुलेट कर ली, जिसको हम कहते हैं न्यू रेशो। अब हमें करना है सेक्रीफाइस रेशो। अब सेक्रीफाइस का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे हमारे पुराने पार्टनर की सेक्रीफाइस होती है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ओल्ड क्या होगी, ओल्ड होगी एक्स की 3/3 / 6 डिवाइडेड बाय माइनस हम करेंगे 12/30। अब सिमिलरली वाई की होगी 2/6 - 8/30, जेड की होगी हमारी 1/6 - 4/30। तो यहाँ पे 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 15 - 12। अब यहाँ पे 30 होगा तो ये बनेगा 10 - 8। अब इसके बाद होगा 30 तो ये बनेगा 5 - 4। तो ये हमारी सेक्रीफाइस रेशियो होंगी 3 पार्टनर की, जो हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारी वही रह जाएगी 3:1। तो ये हमारी सेक्रीफाइस रेशियो है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे सम में गुडविल का शेयर गिवन है। अब हमारे सम में जो गुडविल का शेयर है, अब गुडविल शेयर टोटल जो है वो हमारे पास है 60,000, और एन की ड्यूटी कितनी है, एन का शेयर हमारे पास है 1/5। तो दोस्तों जितना शेयर होता है उतना ही नए पार्टनर ने लेके आना है, तो 1/5 × 60,000। तो एन शुड ब्रिंग कितना लेके आना चाहिए, 12,000 एज प्रीमियम। तो ये एन को प्रीमियम लाना था, लेकिन एन कांट ब्रिंग। तो यहाँ पे लिखा है एन इज़ अनएबल, हमारे समय मानो लिखा है अनएबल टू ब्रिंग द प्रीमियम। अगर वो प्रीमियम लाने के लिए अनएबल है, यानी 12,000 देने के लिए वो अनएबल है, तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमारे एन ने अपनी कैपिटल बिजनेस में दी है, दैट इज़ 30,000 एज कैपिटल। तो पहले तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एन्स कैपिटल, क्योंकि एन ने कितनी मनी दी है बिजनेस के लिए, कैपिटल लगाई है 30,000, क्योंकि ये हमारा नया पार्टनर है। अब यहाँ पे अगर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय एन, तो यहाँ पे जो नए पार्टनर ने कैपिटल लगाई है वो लगाई है 30,000। तो ये हमारा नरेशन हो जाएगा।
उसके बाद अगर मान लो इसने प्रीमियम नहीं दिया, अगर तो प्रीमियम देता था दोस्तों, तो हम क्या एंट्री करते थे, हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर ये प्रीमियम लाता था तो हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट, हम ये करते थे। तो अब यहाँ पे ये प्रीमियम नहीं लेके आया, अब ये प्रीमियम बिल्कुल नहीं लेके आया, अब यहाँ पे ये अनएबल है। तो जब अनएबल होगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, अब यहाँ पे एन इज अनएबल, तो ये हमें अंडरलाइन करना है दोस्तों, इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे, एन इज अनएबल। तो ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जब अनएबल होगा तो हमें कैसे करना है, जब अनएबल होगा तो उसकी कैपिटल से हम डिडक्शन करेंगे। तो अब हम उसकी कैपिटल से डिडक्शन करेंगे, तो जब हम कैपिटल से डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा एनज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या तो प्रीमियम लेके आए नहीं तो उसकी मनी वहाँ से हम काट लेंगे। कितना उसका गुडविल का शेयर था, 12,000, क्योंकि हमारी गुडविल की वैल्यू टोटल फर्म की गिवन है 60,000, और एन को अपने शेयर का ही लेके आना होता है, टोटल नहीं गुडविल देनी, अपने शेयर का ही देना होता है, और ये 12,000 एन ने देना था। अब यहाँ पे आएगा एनज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000, अब हमें ओल्ड पार्टनर को देना है। अब यहाँ पे आएगा 2x कैपिटल, पुराने पार्टनर को देंगे सेक्रीफाइस में, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल, तो ये हमें सेक्रीफाइस रेशियो में देना है, और हमारी रेशियो होगी 3:1। अब यहाँ पे हम देंगे 6,000, यहाँ पे हम देंगे 4,000, और यहाँ पे हम देंगे 2,000, क्योंकि ये सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। तो हमने 12,000 को ओल्ड पार्टनर में दिया, लेकिन अब इसमें नई बात क्या है, अब हमने एन की कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि अगर ये प्रीमियम लाता है तो डायरेक्ट हम प्रीमियम बांट देते हैं कैश में लेके, नहीं लाता तो उसकी कैपिटल की मनी को हमने काट लिया, डिडक्ट कर दिया, कैपिटल डेबिट कर दी है। पहले हमने किया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एनज कैपिटल 30,000, अब बन गया एनज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये हमने सेक्रीफाइस रेशियो में ले लिया। अब यहाँ पे करेंगे बीइंग प्रीमियम, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड हमारे एक्स वाई जेड हैं इन सेक्रीफाइस रेशो, तो लेकिन यहाँ पे डिडक्शन एन को मिल जाएगी, अगर एन नहीं लेके आएगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मतलब उसकी कैपिटल की मनी को हम काट लेंगे। तो ये मेथड होता है, अगर वो प्रीमियम लेके आता तो हम डायरेक्ट ही बांट देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में, अगर वो नहीं लेके आया तो उसकी मनी को यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमारा एक नया पॉइंट है, ये हमारे माइंड में रखना है। तो एक सम और भी हम ऐसे करते हैं, अगर मान लो कुछ लेके आता है कुछ नहीं लेके आता, तो ये हम कैसे करेंगे, थोड़ी सी अलग बातें हैं। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूँ दोस्तों के लिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ, अब इनकी रेशो कितनी है, ये हमारी इनकी रेशो है 5:3, ये हमने माना। अब सी इज एडमिटेड, अब सी की एडमिशन हुई है फॉर 1/4 शेयर विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर। अब सी की एडमिशन हो रही है 1/4 के लिए, जो वो अक्वायर कर रहा है किनसे कर रहा है, बोथ पार्टनर, बोथ पुराने पार्टनर कौन है, जो हमारे ए एंड बी है, इक्वली उनसे एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फॉर्म, ये भी हम लिखते हैं, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज ₹80,000। अब गुडविल हमारी 80,000 है फॉर्म की। अब जो हमारा यहाँ पे सी है, सी ओनली पेज हाफ ऑफ द प्रीमियम, अब जितनी उसकी ड्यूटी थी ना प्रीमियम लाने की, उसका वो ओनली हाफ देता है। अब हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, अब हमें एक तो सेक्रीफाइस रेशो भी देखनी पड़ेगी, अब इसने एक्वायर किया
किससे एक्वायर किया, पुराने पार्टनर से हाफ हाफ इक्वली दोनों से किया, हाफ हाफ एक्वायर किया, तो अब इसकी रेशो क्या बनेगी। पहले हम डिसीज़न करेंगे रेशो का। अब यहाँ पे हमारे पास है ए एंड बी, पहले रेशो का डिसीज़न करना होता है, इनकी रेशो है 5:3। अब सी की एडमिशन हुई है 1/4 शेयर के लिए, अब इसकी एडमिशन हुई है 1/4 शेयर के लिए जो वो अक्वायर करता है इक्वली। अब सी को क्या मिलेगा, सी को मिलेगा 1/4 × 1/2, ये ए से लेगा। अब सी क्या करेगा, 1/4 × 1/2, ये बी से लेगा। इसका मतलब सी ए से कितना लेगा, 1/8 लेगा, बी से भी लेगा 1/8। इसका मतलब सी को क्या मिला, 1/8 + 1/8, ये बनेगा 2/8 और ये हो जाएगा 1/4, ये सी का शेयर हो गया। अब ए के पास क्या बचेगा, अब ए के पास बचेगा ओल्ड रेशो है 5/8 - 1/8 और ये बनेगी 4/8। अब बी की रेशो क्या बचेगी, 3/8 - 1/8 और ये रेशो बचेगी 2/8। और सी की रेशो क्या रहेगी, वो 1/4 है, इसको भी हम 2/2 से करेंगे तो ये भी बन गया 2/8। तो हमारे पास अब न्यू रेशो क्या बनती हैं, देयरफोर न्यू रेशो हमारे पास रहेंगी, अब ये न्यू रेशो रहेंगी 4:2, इसको हम कह सकते हैं तीन पार्टनर की 4:2 न्यू रेशो है, जिसको हम कहते हैं 2:1:1, ये हमने न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली। अब हमारे एग्जांपल में गुडविल ऑफ फॉर्म, अब हमें प्रीमियम के बारे में डिस्कशन करना है। गुडविल ऑफ फॉर्म गिवन है ₹80,000। अब देखा जाए, अब हमारा जो सी पार्टनर है, ये हमारा नया पार्टनर है, सी का शेयर कितना होना चाहिए, जितना उसको शेयर मिलना है उसको हम टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब सी को लेके आना चाहिए था ₹20,000, सी शुड ब्रिंग ₹20,000 एज प्रीमियम। सी को 20,000 का प्रीमियम लेके आना चाहिए था, बट सी पेस, अब यहाँ पे सी पेस ओनली हाफ ऑफ प्रीमियम, लेकिन सी पे कर रहा है ओनली हाफ ऑफ प्रीमियम, आधा नहीं दे रहा। इसका मतलब सी पेस, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अब हमारे पास सी पेस ओनली 10,000, अब उसको 20,000 देना था, लेकिन वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 10,000। अब 10,000 की शॉर्टेज जो होगी वो उसकी हम कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। अब वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल से उसकी डिडक्शन होगी, तो ये हमारा एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, मान लो सी यहाँ पे ब्रिंग करता है, सी ब्रिंग्स 30,000, ये हमने ऐड कर लिया एज कैपिटल। अब 30,000 की मान लो उसने कैपिटल दी है, अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, अब सबसे पहले हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। तो 30,000 जो हमने एग्जांपल माना, 30,000 की उसकी कैपिटल है, तो नरेशन हम लिखते हैं बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी, तो ये 30,000 वो लेके आया। अब यहाँ पे उसका जो शेयर था वो था 20,000, लेकिन उसने कितना दिया, 10,000 प्रीमियम। अब पहले प्रीमियम भी रिसीव कर लें, अब ये प्रीमियम लेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम, ये कितना होगा 10,000, क्योंकि 20 में उसने 10 दिया, बींग हाफ ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड, हमने प्रीमियम ले लिया। अब जो रिमेनिंग प्रीमियम है जो हमें सेक्रीफाइस में बांटना है, तो दोस्तों यहाँ पे अब सेक्रीफाइस रेशो क्या होगी, अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो जो होगी वो ए और बी की इस सम में होगी 1:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सी को नया शेयर मिल रहा है
वो पुराने पार्टनर उसको बुक में लिखा है इक्वली दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेशो बड़ी इजी हो जाती है। जब वो कहते हैं ना पुराने पार्टनर इक्वली दे रहे हैं नए पार्टनर को, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो अगर पार्टनर होंगे तो उनकी रेशो 1:1 ही रहेगी। अगर पुराने तीन पार्टनर होंगे तो 1:1:1 तीन बन जाएगी। अब यहाँ पर इनकी रेशो 1:1 ही होगी, ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो है। तो पहले हमें सेक्रीफाइस रेशो को तैयार करना है। तो जब भी हमें प्रीमियम बांटना है, अब टोटल प्रीमियम जो हमारे सी को लाना चाहिए था वो था 20,000, बट वो केवल 10,000 दे रहा है। तो एक तो उसने कैपिटल दी, बाकी जो 10,000 है अगर वो नहीं लाएगा तो उसकी हम कैपिटल से डिडक्शन करेंगे, ये रूल है। अब यहाँ पे अगर शॉर्टेज होगी तो यहाँ पे एंट्री फिर मैं बना रहा हूँ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब सी की कैपिटल को हम काट रहे हैं कितने अमाउंट से, जितना शॉर्टफॉल है 10,000, क्योंकि 10,000 तो इसने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि उसने 20 देना था, टोटल 20 था, 10 इसने दे दिया, वो तो हमने रिसीव कर लिया। जो शॉर्टफॉल है 10,000 का उसकी कैपिटल से हम मनी को डिडक्ट कर लेंगे और पुराने पार्टनर को देंगे इक्वली सेक्रीफाइस रेशो में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो यहाँ पे हम देंगे 5,000, अगर दो पार्टनर की इक्वली होगी तो ए को भी 5 मिलेंगे बी को भी 5 मिलेंगे, टोटल इनकी कैपिटल जो डेबिट हो जाएगी वो 10,000 से डेबिट हो जाएगी। जो हमारा आधा प्रीमियम है वो हमने बैंक में रिसीव कर लेना है, जो आधा प्रीमियम है वो हम कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें मैं नया पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, अगर मान लो हमारे सम में लिखा है कि हाफ ऑफ द प्रीमियम इज़ विड्रॉन, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, अब लिखा है मान लो आगे लिखा है सेकेंड एडजस्टमेंट में हाफ ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन, अगर आधा प्रीमियम जो अभी मिला है विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर पुराने पार्टनर ने आधा प्रीमियम विड्रॉन कर लिया तो क्या एंट्री बनेगी, अब इसी की हम एंट्री कर लेंगे, ये बनेगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वो फर्म से निकलवा लेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड तो ये भी आधा निकलवा लेंगे, टू कैश विड्रॉन का मतलब कैश फर्म से चला जाएगा, आधा आधा कितना बनेगा। अब जैसे इनको 5,000 ए को मिला, क्रेडिट हुआ 5, अब टोटल वैसे इनको मिलेगा, देखो आधा तो ये हो गया, इसमें हम प्रीमियम भी जोड़ देते हैं क्योंकि प्रीमियम का टोटल भी हिस्सा मिला है, तो जो भी लेके आएगा वो प्रीमियम भी मिलेगा, तो हमारी एंट्री बनेगी 10,000 10,000। तो यहाँ पे हमें देना है फुल अमाउंट, तो यहाँ पे हम 10,000 दे देंगे, तो ये हमारी बनेगी, तो ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो में हम देंगे 10,000, क्योंकि टोटल जितना उसका प्रीमियम है ना वो सारा बांटा जाएगा, तो हमने 20 को ही बांटना है, तो 20 को अगर हम बांटेंगे तो 10,000 करके बांटेंगे, लेकिन यहाँ पे एंट्री जो शॉर्टफॉल है वो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो वो प्रीमियम लाया था प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा 10,000, तो टोटल 20, तो 20 का आधा आधा 1:1 में 10,000 मिलेगा। अगर मान लो ये कहता है हाफ ऑफ द प्रीमियम, अब प्रीमियम कौन सा, टोटल की बात हम कर रहे हैं, 20 का आधा जो उनको मिला था, अब 10 मिला सेक्रीफाइस रेशो में आधा आधा, इसका भी उन्होंने हाफ विड्रॉन कर लिया, तो मान लो अगर ए ने निकलवाया तो 10 उसको मिला था 5 निकलवा लेगा, बी भी अपना 5,000 निकलवा लेगा और फर्म से 10,000 चला जाएगा, ये हमारी फर्दर एक्सटेंशन है। तो हमें प्रीमियम जितना उसका प्रीमियम है पूरा ही बांटना है सेक्रीफाइस रेशो में, तो अगर जो शॉर्टफॉल होगा उसके लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कैश में प्रीमियम आया था वो प्रीमियम कैश में लिखा जाएगा, अगर उन्होंने सारा निकलवाया होता तो यही जो कैपिटल क्रेडिट थी वो सारी डेबिट हो जाती, 10,000 करके 20 क्रेडिट कैश में चला जाता, अब हाफ लिखा है तो आधा आधा हमने 5,5 कर लिया। तो इस तरह से हमें अपने सम करने हैं दोस्तों, तो ये हमारा 10,000 होगा, तो 5,5 करके हमारे पास 10,000 हो गया, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ तक हमने किया, तो यहाँ तक प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे भी, अब मैं थोड़ा सा नोट लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़े दोस्तों को याद रखना है, इफ़ न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन है, इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम नहीं लाता देन हीज़ कैपिटल
इज टू बी डेबिटेड, उसकी कैपिटल को हमें डेबिट कर देना विद द शेयर ऑफ गुडविल, वही गुडविल का शेयर या जिसको हम प्रीमियम कहते हैं उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। एंड किसको क्रेडिट मिलेगा? एंड क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को हमेशा क्रेडिट मिलेगा विद सैक्रिफाइस रेशो, उनको हमेशा सैक्रिफाइस रेशो से क्रेडिट मिलना है। तो ये मेरी वीडियो का आज नया पॉइंट है, अगर वो डज नॉट ब्रिंग, कैन नॉट ब्रिंग ये बात लिखता है तो उसकी कैपिटल को उतनी शॉर्टेज से हमें डेबिट करना है। तो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशो में मिलेगा। तो आज का इतना ही लेक्चर है, कल से मैं चलूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारी एडमिशन में ना पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन, जब नया पार्टनर आता है तो एसेट और लायबिलिटी बढ़ती हैं, उसको कैसे रेशियो में बांटना है, देन फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन के हम करेंगे। आज हमारा टॉपिक इतना था, जब वो नई प्रीमियम लाता तो हम प्रीमियम को कैसे डील करेंगे, कैसे हम क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, तो उसकी कैपिटल को हमें डेबिट करना जितना शॉर्टफॉल होगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, वॉच इट कम्प्लीटली, इट विल पे यू। इसको पूरी नॉलेज के साथ देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो ये मैंने सम बनाए हैं इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे इंटरेस्ट में लीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, आई वांट टू सी योर कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।